जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर की 5 कंडीशन पर टेबल बनाई गई है और जेसीओ ओआर को 15 कंडीशन पर टेबल बनाई गई। यानी कि जो टर्म्स और कंडीशन है, ऑफिसर के लिए 5 कंडीशन रखी गई हैं और जेसीओ ओआर के लिए 15 कंडीशन रखी गई हैं। इसी वजह से ओआरओपी की जो टेबल जारी हुई है, जेसीओ ओआर में बहुत ज्यादा विसंगतियां देखने को मिली है। बता दें जो ये कंडीशन है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, हॉनरी कैप्टन हो, सूबेदार मेजर हो, कोई भी हो, सबकी विसंगतियां मात्र इन्हीं वजहों से आई हैं जो कि जेसीओ ओआर में इतनी ज्यादा कंडीशन लागू कर दी हैं कि चाहे प्री वाला कंडीशन कर दी हो, पोस्ट वाला कर दी हो, एक्स ग्रुप की विसंगतियां हो, डिसेबिलिटी की विसंगतियां हो। सबसे पहले तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक था कि एक ऑफिसर है या उनके कोई बच्चे हैं ये नहीं पता चला है, लेकिन उन्होंने जो कमेंट एक किया है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि उनको ये पता चले कि ये विसंगतियां कैसे आई हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि वन रैंक वन पेंशन पर जेसीओ ओआर को कुछ नहीं मिला है। सबसे पहले तो वो मैं ट्वीट दिखाता हूं, कमेंट दिखाता हूं जो एक कमेंट किया है। एमजे है कोई, इन्होंने किया है, नेक्स्ट पे कमीशन में तेरे को ही कमेटी के हेड बनाया जाए, यानी कि हमें ही कमेटी का हेड बनाया जाए, तब जेसीओ ओआर 8 पास की सैलरी ऑफिसर से ज्यादा कर लेना। यानी कि इनका ये कहना है कि केवल जेसीओ ओआर 8 पास होते हैं और तुम्हें अगर कमेटी का जो मेन है हेड बना दिया जाए पे कमीशन ओआरओपी का, तो आप अपने जेसीओ ओआर की सैलरी ज्यादा बढ़ा लेना। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने कमेंट किया है। अब मैं बता दूं कि इनका जो ये सोच रहा है कि 8 पास जेसीओ ओआर होते हैं, तो इनकी बिल्कुल भूल है। जो कि सेना में भर्ती की कंडीशन है, 10th पास मिनिमम मांगा जाता है, लेकिन इनकी ये भूल है। और चाहे ये कौन है अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इनको जो जवाब दिया है, सर आप जेसीओ ओआर ऑफिसर कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर करना जरूरी होगा, जरूरी है हमारे लिए। जेसीओ ओआर 8 पास इसलिए बेसिक कम है क्योंकि जेसीओ ओआर 8 पास है तो बेसिक उनको कम दिया जाता है। इसीलिए अगर ऑफिसर ज्यादा कोई साइंटिस्ट है तो उनको बेसिक की बढ़ोतरी होती है, बेसिक में अंतर आता है, चाहे जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, चाहे ऑफिसर हो। जब बेसिक ज्यादा दे दी गई है तो बाकी चीजों में आप कैसे ज्यादा मांग सकते हो, इसलिए बेसिक ज्यादा दी जाती है क्योंकि आप ऑफिसर अगर हैं तो वो ज्यादा पढ़े होंगे हो सकता है, लेकिन जेसीओ ओआर 8 पास है तो बेसिक में इसीलिए डिफरेंस किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि एमएसपी को रिस्क फैक्टर के अनुसार दिया जाता है। ऑफिसर को 15,000 दी जा रही है, एमएनएस को 1,500 दी जा रही है, जेसीओ ओआर को 5,200 रुपए दी जा रही है। यानी कि जो रिस्क फैक्टर के आधार पर दी जाती है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है। इसके बाद डिसेबिलिटी में आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटी में किसी को चोट लगती है, कोई ऐसा सिविल में इलाज कराने के लिए डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, उसमें ऑफिसर को 75,000 रुपए, जेसीओ ओआर को 9,000 रुपए दी जाती है मात्र। अब इनको ये नहीं पता है कि जो किसी को अगर चोट लग रही तो सबको दर्द बराबर होता है, चाहे ऑफिसर हो, जेसीओ हो, ओआर हो। इसके बाद जेसीओ ओआर आईएमए में, अब आप एक चीज और ध्यान रखें, जेसीओ ओआर जो होते हैं ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं, जो उस्ताद होते हैं जेसीओ ओआर ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं, बट सिक्योरिटी एजेंसी जो मिलती है केवल ऑफिसर को मिलती है, जेसीओ ओआर को नहीं दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं, जो ट्रेनिंग देता है ऑफिसर को उसको सिक्योरिटी एजेंसी नहीं दी जाती, उसको केवल सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है, और वो भी ऑफिसर जिनको ट्रेनिंग देता है जवान जेसीओ, वो उनको सिक्योरिटी गार्ड बना के रखते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी विसंगति है, इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ है कि एक जेसीओ जो ट्रेनिंग देता है उसको एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं मिल सकती है, ऑफिसर को एक सिक्योरिटी एजेंसी दी जाती है। री एम्प्लॉयमेंट, 60 साल नौकरी करने के बाद आर्मी में ही री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को दिया जाता है, जबकि जवान और जेसीओ को नहीं दिया जाता है। ओआरओपी 1 और 2 फुल बेनिफिट ऑफिसर को मिला है। लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने अभी कुछ जानकारी इनको दी है। आप इस पर कोई जवाब अगर दे सकते हैं, इनसे मैंने कमेंट करके पूछा है कि अगर आप इसमें कोई जवाब दे सकते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी तक मैं बता दूं 2 दिन हो गए, 2 दिन से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद मैं ये
वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि इनको पता चले कि क्यों ऑफिसर को बेसिक ज्यादा दी जाती है और जवान जेसीओ को एमएसपी क्यों कम मिल रही है, उस पर इनको जानकारी मिल सके। जेसीओ की बात अब जेसीओ ही रहे, यानी कि इनका कहना है कि पे कमीशन में अगर जेसीओ ओआर का ही प्रतिनिधित्व कर लेना आप, जिससे जेसीओ ओआर की सैलरी बढ़ा लेना, तो बिल्कुल सही है। अगर जेसीओ ओआर का प्रतिनिधित्व रहेगा किसी भी कमीशन कमेटी में, तो हमारी जो ये एमएसपी की विसंगति हुई है, डिसेबिलिटी की विसंगति हुई है, ये कभी नहीं हो पाती अगर हमारा कोई जेसीओ ओआर का प्रतिनिधित्व होता। अभी मैं बताता हूं कि क्या गड़बड़ हुआ है ओआरओपी वन में और ओआरओपी टू में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि वन रैंक वन पेंशन जो लागू हुई थी उसकी सिर्फ पांच कंडीशन थी 2014 में, लेकिन जो 2014 में पांच कंडीशन थी उसके बाद पहली जो कंडीशन थी सेम सर्विस की थी। सेम सर्विस का मतलब है जो सर्विस होती है, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स, नेवी के हो, सेम होंगे तो उनकी पेंशन सेम रहेगी, ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी सेम ग्रुप, अगर एक्स ग्रुप का है जवान तो एक्स ग्रुप वाले की पेंशन सेम रहेगी जब वो रिटायर होगा, नया जो रिटायर होके आता है। वाई ग्रुप का है, जेड ग्रुप का है, पहले एबीसी ग्रुप चलते थे तो उनकी भी पेंशन उनके ग्रुप के बराबर हो जाएगी जो भी नए रिटायर होंगे, ये कंडीशन थी दूसरी। और तीसरी कंडीशन थी सेम क्लास, क्लास पे यानी कि क्लास पे जो मिलता है क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री का, अगर एक ही क्लास का जो जवान रिटायर होता है उसी के बराबर उसकी पेंशन हो जाएगी, ये तीसरी कंडीशन थी। चौथी कंडीशन थी सेम एमएससीपी, यानी कि जो रिटायर होता है जवान उसको सेम एमएससीपी दी जाएगी, यानी कि जो एमएससीपी का लाभ मिलेगा 2016 से वो बराबर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो वन रैंक वन पेंशन में 2006 से पिछले वालों को एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि सेम एमएससीपी में सेम सर्विस करके अगर रिटायर हो रहा है, चाहे जब भी रिटायर हुआ है उसको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, चौथी कंडीशन थी। और पांचवी सबसे अहम कंडीशन जो रखी गई थी, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कि जो 15 साल में रिटायर हो रहा है जवान, उसकी जो पुराने 15 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं, सेम ग्रुप में हो, सेम क्लास के हो, सेम सर्विस के हो, तो उनकी पेंशन बराबर कर दी जाएगी, ये ओआरओपी की कंडीशन थी। लेकिन जो पांचवी कंडीशन है इसमें आप देख सकते हैं, जो सर्विस 15, 16, 17, 32 साल तक करते हैं उसमें प्रीमेचर वालों को आउट कर दिया गया है 2014 से पहले वालों को। अब आप समझ सकते हैं कैसे विसंगति धीरे धीरे घटाई गई और ऑफिसर को मात्र इनके आधार पर बेसिक ओआरओपी दिया गया, लेकिन जवानों को एक्स ग्रुप में विसंगति कर दी गई, इसके बाद क्लास में विसंगत कर दी गई, जबकि ऑफिसर में ऐसा नहीं है, ऑफिसर में कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप रखा गया है और वो केवल ऑफिसर। लेकिन जवान जेसीओ में एक्स वाई जेड ग्रुप करके, इसके बाद क्लास में डिफरेंस करके, एमएससीपी का फायदा ना देके, और इसके बाद सर्विस के आधार पर उनको कह दिया गया कि आप प्रीमेचर का लाभ नहीं ले सकते हैं, प्रीमेचर वाले इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, तो ये भी गलत किया गया है। अभी मैं बता दूं कि ये जो पांच कंडीशन थी इस आधार पर ही ओआरओपी लागू होना था 2014 के अनुसार। एवरी 5 ईयर्स पेंशन विल बी सेम हो जानी थी एवरी 5 ईयर्स, लेकिन जैसे ही 2019 का लागू किया गया 2023 में ओआरओपी टू, उसके बाद नई कंडीशन डाल दी गई, जैसे कि एक्स और वाई ग्रुप को, एक्स ग्रुप वालों को दो कैटेगरी में कर दिया गया, 3600 और 6200। इसी के साथ जो क्लास पे हुआ करता था इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, और जो एमएससीपी 2006 वालों को लाभ नहीं दिया जा रहा है उसको भी अलग कर दिया, यानी 2006 वालों को भी अलग कर दिया। तो जो जवानों की कंडीशन है उनको लगभग 15-16 कंडीशन में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ऑफिसर में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद एक और चीज मैं बता दूं कि केवल यही कंडीशन नहीं है, और भी कई तरीके ऐसे भेदभाव किए गए जो अदर बेनिफिट है, जिसमें कि ऑफिसर की एमएसपी 15,500 और जेसीओ जवान की मात्र 5200 रुपए दिया गया, इसमें भी भेदभाव किया गया। धीरे धीरे भेदभाव बढ़ते गए, और बता दें फील्ड अलाउंस जो था, फील्ड अलाउंस में 35,000 तक ऑफिसर को मिलता है, और जबकि जवान जेसीओ को उधर 12,000 मिलता है, जहां पे उधर 35,000 जेसीओ ऑफिसर को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं जहां पे सर्दी पड़ रही, बर्फ पड़ रही, उधर बराबर होना चाहिए, उधर भी इतना डिफरेंस कर दिया गया, यानी कि सर्दी ऑफिसर को ज्यादा लगती है, इस आधार पर अलाउंस दिए जाएंगे फील्ड के दिए जाने लगे। इसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन में आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि जो लगभग
3,500 रुपए जेसीयू जवान को 2006 मिलता था और 5,800 रुपए ऑफिसर को मिलता था, अब उसको इतना अंतर करके 9,000 जवानों को किया गया और लगभग 50 से 75 हजार रुपए ऑफिसर को किया गया। अब आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ी विसंगति हुई है। और इसकी विसंगति का मेन कारण यही रहा कि किसी भी कमेटी में जेसीओआर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा, वही वजह रही कि हमारी ये विसंगत पैदा हुई, धीरे धीरे और बढ़ती गई। अब इसके बाद पोस्टिंग जब ट्रांसफर होता है उसमें भी जेसीओआर को 15,000 से 35,000 रुपए तक मिलता है, लेकिन ऑफिसर को 1,00,000 रुपए के आसपास मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। पोस्टिंग ट्रांसफर करने में भी इसमें विसंगति पैदा हुई। ये विसंगति इसीलिए हुई क्योंकि जेसीओआर का अगर कोई कहने वाला होता तो ये बात नहीं सामने आती। ये तो मैं कुछ विसंगतियां बता रहा हूं, विसंगतियां तो और भी हैं, जैसे कि ओआरओपी टेबल जेसीओआर की जो लागू हुई और ऑफिसर की लागू हुई उसमें देख सकते हैं ऑफिसर के लिए हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही है। बेसिक जो सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट होते थे 21,604 रुपए बढ़ोतरी हुई है पहले बार, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में उनको 21,932 रुपए हुई है, यानी कि हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही है बेसिक में। लेकिन जवान 16 साल सर्विस करे या 24 साल सर्विस करे उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, उनकी बेसिक में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ओआरओपी जो टेबल भी बनाई गई है जेसीओ ओआर के लिए अलग कर दी गई है और ऑफिसर के लिए अलग कर दी गई। चाहे कर्नल का ले लें, पहले साल आप देख सकते 47,429 रुपए है, फिर 48,000, फिर 49,000, 50,000, हर साल बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि इंक्रीमेंट लग रहा है। लेकिन ऑफिसर की टेबल में लगे हैं जेसीओ जवान की टेबल में 16 साल करने वाले के भी उतना ही है 21,107 और जो 24 साल सर्विस कर रहा है उनको भी 21,107। तो कितनी विसंगति हुई है आप खुद देख सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।